भैया स्कूटी ले रहे हो क्या भैया? आराम से। So guys, आप लोगों से क्या ही छुपाना, आप लोग मेरी पूरी एनालिटिक्स देख सकते हो। ये वाली गाड़ी बेच रहे हो क्या? 60,000 रुपए। बस कुर्बान 60,000 रुपए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो की शुरुआत हो गई है हमारे सुबह 5:30 बजे। अभी नमाज पढ़ के आए हैं। एक्चुअली मैं आज से हमारे रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं। आज हमारा फर्स्ट रमज़ान है। तो फर्स्ट रमज़ान रखने के बाद, सहरी खाने के बाद हम गए थे नमाज पढ़ने, और नमाज पढ़ के अभी आए हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। आप देखते जाइए, कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। सो भाई लोगों, सुबह हम लोग उठ गए थे और इस टाइम 12:30 के आसपास हो रहा है, और अब हम नमाज़ पढ़ने की तैयारी करते हैं। जुम्मा है आज, फ्राइडे है, तो फ्रेश वगैरह हो लेते हैं और बाल वगैरह सही करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग उठे थे सो के। अब फ्रेश वगैरह हो लेते हैं और नमाज के लिए निकलते हैं। भाई लोगों, नमाज पढ़ने जाने से पहले हमारा रोज़ का काम होता है कि सुबह उठ के अपने एनालिटिक्स चेक करना है यूट्यूब के। अभी हम लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं और देखते हैं हमारी यूट्यूब की एनालिटिक्स, क्योंकि हमारा रोज़ एक यही मोटिव होता है कि हाँ, हम कैसे ग्रो करें अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज देखते हैं कि कितना ग्रो हुआ, कितना ग्राफ डाउन हुआ, तो अभी एनालिटिक्स देखते हैं। तो ये हमारा PC है, इस पर भाई धूल बहुत ख़तरनाक जमी हुई है। अभी हमने ऑन करा है, ये PC ऑन हो रहा है। रात भर ऐसे ही खुला रह गया था ये। अब ऑन करते हैं और अपना देखते हैं। सो गाइस, आप लोगों से क्या ही छुपाना, आप लोग मेरी पूरी एनालिटिक्स देख सकते हो। अभी क्लिक करते हैं एनालिटिक्स पे। आप लोग सोचते होंगे कि हाँ भाई, मुझे तगड़ी वाली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बहुत तगड़ी अर्निंग हो रही है। तो आप लोग देख सकते हो, एक दिन में सिर्फ एक $0.15 बना था, और रोज़ का हमारा बस इतना ही रहता है 0.0102। इससे ज़्यादा भाई रेवेन्यू जनरेट हो ही नहीं पा रहा। और अब ये 22 मार्च में 0.09 गया है, तो इसका मतलब है कि हाँ भाई, व्यूज़ भी थोड़े बहुत आए थे, इस वजह से 0.09 बना। और व्यूज़ का तो ये है कि भाई ज़्यादा नहीं, बस रोज़ के अपने 65-60 इतने आ जाते हैं। और कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, उस पर सिर्फ 13 व्यूज़ आए हैं। तो भाई, चैनल पे ना काम करने की वजह से हमारा चैनल बिल्कुल डेड सा हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भाई, रोज़ व्लॉग्स डालें हम इस चैनल पे, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो जाए। बाद में हम देखेंगे कि गेमिंग करना है या फिर इस पे व्लॉग्स डालने हैं, क्योंकि भाई गेमिंग का जो फ्यूचर है वो मुझे इस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा गेम जो था वो बैन हो चुका है और अभी वापस भी नहीं आया है, पता नहीं कब आएगा। तो गेम के भरोसे अगर रहे तो हमारा चैनल बिल्कुल डेड है। और डेड होने का रीज़न चैनल का ये है कि मेरे भाई 12th था, तो बोर्ड्स थे, तो इस चक्कर में मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं, तो हम सोच रहे कि रोज़ व्लॉग्स डालें या फिर रोज़ वीडियो, कुछ ना कुछ इस पे चैनल पे डलना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने व्लॉग्स का सोचा है कि हाँ भाई, जब तक गेम नहीं आ रहा है तो व्लॉग्स डाल देते हैं अपने। तो रमज़ान का महीना चल रहा है और हमें रोज़ कंटेंट भी मिल जाएगा, तो मैंने सोचा है कि हाँ भाई, इस पे व्लॉग्स ही डालेंगे। ये स्कूटी ले रहे हो क्या भैया? आप भाई लोगों, चेक करके बताओ कि ये स्कूटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, ये खाली सिर्फ ट्राई करने के लिए अभी हम देख रहे हैं। अच्छा, कैसा रहता है इसमें। तो स्कूटी तो तुम्हारे कुर्ते से मैच हो रही है। ये मैच कर गई है, और सेल्फ एक ही सेल्फ में ये स्टार्ट हो गई है। अच्छा, देखते हैं इसका ट्राई करके कैसे। ये वाली गाड़ी बेच रहे हो क्या? ये वाली कितने में लेंगे आप, प्राइस बताइए। प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी को लेनी हो। कितनी डिमांड कितनी है आपकी? हमारी डिमांड है इसकी 60,000। 60,000 रुपए की? 60,000 60,000 रुपए में देगा तू? 60,000 रुपए में? 60,000 रुपए की नहीं है गाड़ी। वो कितने की है? ये 1,00,000 रुपए की गाड़ी है हमारी। R1M 1000 cc। हाँ, चलो चलाओ, इसको ट्राई करके देखते हैं। चलाओ,
जल्दी आ रहे हैं। भाई रमजान में गेड़ियां मारने का मजा आ रहा है। तो कैसी कैसी चल रही है? सही ले ले, नंबर ले लो। चलो तो ले लेते हैं फिर भाई। वाह नंबर देख लो भाई, मस्त एकदम। ये हमारे कुर्ते के साथ भी मैच कर रही है। तो भाई लोगों अब असर का टाइम हो गया है, अब असर की नमाज पढ़ने चलते हैं जल्दी से। 5 बज गए हैं, 5:15 पे जमात खड़ी हो जाएगी। तो अब जल्दी से वजू बना के और मस्जिद जाते हैं। चटाई बिछा भाई, अब प्रोग्राम होगा चालू। सो गाइस इफ्तारी की तैयारी हो गई है शुरू, और अभी हम दोनों भाई मिलके थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं और फिर करते हैं हम इफ्तारी। ये वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो रमज़ान था हमारा वो बहुत अच्छे से निकला, और हमें बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लगा, और हमने इफ्तारी करके अब बैठे हैं, बिल्कुल आराम कर रहे हैं। मैं व्लॉग बाहर बनाने आ गया क्योंकि अंदर सब बातें कर रहे हैं, तो मैं बाहर आके शूट कर रहा हूँ। और अब हम 8 बजे के टाइम जाएंगे तरावी पढ़ने। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग को हम शुरू करेंगे फजर के टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।